हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली के अंदर डिस्काउंट कैसे लगाया जाए? देखिए, डिस्काउंट लगाने के दो तरीके हो सकते हैं टैली प्राइम में। कौन कौन से? देखिए, अगर आप सेल्स में एंट्री पास करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं सेल्स में एंट्री पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ रेफरेंस नंबर डाला, एंटर किया। अब मेरे में डिस्काउंट पहले से एक्टिवेट है। यहाँ पे मैं डेटर पार्टी का लेजर लगाता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे सेल्स का लेजर लगा देता हूँ। अगर आपके में ये डिस्काउंट ऑप्शन जो मेरे में यहाँ पर, जरा देखिएगा, यहाँ पर चालू दिख रहा है, ऑन दिख रहा है, आपके में ना आता हो तो क्या करना है, F11 प्रेस करना। और F11 प्रेस करते हैं, यहाँ पे आएगा यूज डिस्काउंट कॉलम, तो ये आपके में नो होगा। या हो सकता है कि यहाँ से ये जो है ये इस तरीके से रहे, ये नो रहे, तो ये नो रहेगा तो भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ से इसको पहले यस करिएगा, ठीक है, वाई प्रेस करके एंटर करिएगा, और यहाँ पर इसको भी यस रखिएगा, ये भी नो रहेगा तो भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर जब आइएगा ना, तो ये दिया हुआ है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, ठीक है, और यस करिएगा। तो जैसे ही यस करिएगा तो ये आपको डिस्काउंट नजर आएगा। अब देखिए ये काम कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक आइटम है, जैसे ये चावल है, हिंदी में लिखा है चावल, मान लीजिए 5 किलो चावल खरीदा और उसमें कितना डिस्काउंट मिला। अब देखिए 300 रुपया कुल प्राइस आ गया है, ठीक है, कितना प्राइस आया है 300, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए 5% का डिस्काउंट लगा दिया जाए, तो खाली 5 लिखा, तो माइनस हो जाएगा 300 में से, कितना माइनस होगा। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये एंटर किया, तो एंटर करते ही देखिए 300 का 285 हो गया, ठीक है, 15 रुपए अपने आप माइनस हो गया, देख रहे हैं।